एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा व्यापारी रहता था। उसे रोज शराब पीने की एक बहुत बुरी आदत थी। उसकी इस आदत की वजह से वो और उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। घर में हमेशा ही अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता। अक्सर वो व्यापारी शराब पीकर गांव में किसी न किसी से झगड़ा कर लेता और लोगों को गाली बकता। उसकी इस हरकत की वजह से उसका व्यापार भी कम होता जा रहा था और वो व्यापारी भी इस बात को समझता था कि उसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं और उसका नाम खराब होने की वजह से उसका व्यापार भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वो व्यापारी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने का कई बार प्रयास भी कर चुका था, लेकिन वो हर बार इसमें असफल ही हुआ था। इसीलिए अब से जब भी कोई उससे इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कहता तो वो उसे तेज आवाज में जवाब देता, मैंने इस आदत को नहीं पकड़ रखा है बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। उस व्यापारी की पत्नी उसकी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान रहती थी। वो उसकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित थी, जो कि दिनों दिन गिरती जा रही थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि उसका पति शराब पीना छोड़ दे, लेकिन वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन उसे गांव में किसी बौद्ध भिक्षु के आने की खबर मिली। बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यानी व्यक्ति थे और वो लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी प्रसिद्ध भी थे। व्यापारी की पत्नी उसे लेकर उस जगह पहुंची जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उनसे उनकी समस्या बताने के लिए कहा। दोनों पति पत्नी ने बौद्ध भिक्षु को सारी कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने बड़ी ध्यान से उनकी समस्या को सुना और कहा, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर आना। दूसरे दिन सुबह वो पति पत्नी उस जगह पर फिर पहुंच गए जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। उन दोनों पति पत्नी ने देखा कि बौद्ध भिक्षु एक बड़े से पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। व्यापारी ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आपने इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है। उन भिक्षु ने कहा, अभी तुम दोनों जाओ और कल सुबह फिर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान कल बता दूंगा। अगली सुबह जब वो पति पत्नी दोबारा बौद्ध भिक्षु के पास आए तो उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु फिर से उसी पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। उन दोनों ने बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या का कारण जानना चाहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें फिर से कल आने के लिए कहा। ये प्रक्रिया अगले एक हफ्ते तक चलती रही। वो दोनों पति पत्नी बार बार आते और बौद्ध भिक्षु ने बार बार यही कहते कि कल आना। और ऐसे ही एक हफ्ते तक रोज आने की वजह से वो व्यापारी थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने भिक्षु से पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ आप इसी तरीके से इस पेड़ को पकड़े खड़े हैं, आप इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं, आप छोड़ते क्यों नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तो इस पेड़ को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ता, इसने ही मुझे पकड़ रखा है। ये सुन वो व्यापारी जोर से हंसता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा बल्कि आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप जब चाहें इस पेड़ को छोड़ सकते हैं। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु थोड़े गंभीर होकर बोले, मेरे दोस्त पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने शराब पीने की आदत को पकड़ रखा है, उस आदत ने तुम्हें नहीं, और तुम जब चाहो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ सकते हो जिससे तुम परेशान हो। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि अपनी सारी बुरी आदतों का जिम्मेदार वो खुद है, वही है जिसने उन आदतों को अपने अंदर पकड़ रखा है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वो जब चाहे इन आदतों से छुटकारा पा सकता है। देखो प्रकृति का एक सीधा सा नियम है कि प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। अगर कोई खाली जगह है इस पृथ्वी में कहीं भी तो ये उसे हवा से भरने की कोशिश करेगी, अगर कोई खाली जगह पड़ी है तो ये प्रकृति उसे खरपतवारों से भर देगी। अगर हम खाली भी बैठे हैं तो ये प्रकृति हमारे मन को फालतू विचारों से भर देगी। इसीलिए हम कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अपने आप को आदतों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई आदत ही ना हो। क्या कभी ऐसा कोई इंसान तुमने देखा है जिसके अंदर कोई भी आदत ना हो। बार बार से आपको लग सकता है कि इसके अंदर कोई आदत नहीं है। आपको ये दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, या तो अच्छी आदत वाले या बुरी आदत वाले।
पर कोई ऐसा इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा जिसमें कोई आदत ही ना हो, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है। कुछ आदत हो ही ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई कभी आदत ही ना हो और हम आदतों से मुक्त हो जाएं। असल में हम आदतों को कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने कोई आदत छोड़ दी है तो असल में उसने जबरदस्ती उस आदत को दबा कर रखा है। कुछ दिनों बाद ही वो व्यक्ति उस आदत का फिर से शिकार हो जाएगा, जैसे कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो फिर से अपनी पुरानी आदतों के शिकार हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को गलत तरीके से समझा है। असल में हमारी आदतें मन की स्तर की चीजें हैं, इसीलिए आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है, जंक फूड खाने की आदत को हेल्दी खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हम अपनी किसी भी बुरी आदत को केवल अच्छी आदतों के साथ बदल सकते हैं, उन्हें कभी भी छोड़ नहीं सकते। अब ये बात तो आप समझ गए कि हम अपनी आदत को खत्म नहीं कर सकते, परिवर्तित कर सकते हैं। अब थोड़ा कहानी पर ध्यान दीजिए, जो सबसे मूल बात है आप लोगों की। आप लोग क्या करते हो, इस कहानी में क्या बताया गया? वो बहुत भिक्षु उस व्यक्ति को यही समझाना चाहते थे कि आदतें हमें नहीं पकड़ती, हम आदतों को पकड़ कर रखते हैं। हम ये स्वीकार नहीं करते कि वो आदतें हमें मजा दे रही हैं, इसीलिए वो हमने पकड़ रखी हैं। अगर हम ये स्वीकार कर ले तो फिर बदलना तय हो जाएगा ना। अब मेरे कितने भाई कहते हैं मुझसे कि पवन भाई मुझे नशा करने की आदत है, कुछ कहते हैं पवन भाई मुझे पॉर्न वीडियो देखने की आदत है, कुछ कहते हैं पवन भाई मैं पूरे पूरे दिन वासना में रहता हूँ। अब यहाँ बात हो रही है पूरे पूरे दिन रहने की, वासना को या सेक्स को गलत नहीं बताया जा रहा। बात है जिसने अपना पूरा जीवन ही इसी को दे दिया है, उस वृत्ति की बात हो रही है। तो मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ जो परेशान है अपनी दारू से लेकर, वासना से लेकर, किसी भी बुरी आदत से, तो देखो पहले तो तुम्हें उस आदत को स्वीकार करना होगा कि हाँ मजा आता है इसीलिए पकड़ रखा है। जब ये स्वीकार करोगे तब जिम्मेदारी भी लोगे कि हाँ तुमने पकड़ रखा है उस आदत को, वरना तुम तो ये कह देते हो कि हो जाता है गलती से, हो जाता है गलती से कर लेता हूँ। अब ये बताओ क्या ऐसे ही हो जाता है? क्या आज तक जहर गलती से पिया है तुमने और बार बार गलती से पिया है? नहीं ना। क्या आप गलती से बार बार हाथ जला लेते हो अपना, हर रोज जला लेते हो? नहीं ना, क्योंकि वहां मजा नहीं आता। ठीक ऐसे ही तुम्हारी जो बुरी आदतें हैं उनमें मजा आता है, तुमने खुद पकड़ रखी है, ये बात तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। और जब तक तुम स्वीकार करोगे नहीं तब तक तुम खुद को बदलने के लिए जिम्मेदारी भी नहीं उठाओगे। उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि पेड़ को मैंने नहीं पकड़ रखा, पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। यहाँ तो आपको हंसी आएगी कि सिंपल सी बात है, पेड़ क्यों पकड़ेगा, हमने पेड़ को पकड़ रखा है। लेकिन जरा खुद भी देखो अपनी उन आदतों को कि क्या आदतें तुम्हें पकड़ सकती हैं? तुम्हारे अंदर किसी चीज का लालच है तभी तो तुमने उस आदत को पकड़ रखा है। अगर मैं लालच ही खत्म कर दूं तो तुम कैसे पकड़ पाओगे? शराब पीने वाले के अंदर डोपामाइन रिलीज ही ना हो वो केमिकल, तो वो कैसे शराब पी लेगा? वासना में रहने वाले इंसान के अंदर अगर केमिकल रिलीज ना हो, सेक्स हार्मोन्स ही ना उत्पन्न हो, तो तुम बताओ कैसे वो वासना में जा पाएगा? किसी भी बुरी आदत को ले लो, लालच है ना, और लालच है तो पकड़ रखी है ना, जिम्मेदारी लो ना कि वो तुमने पकड़ रखी है। और जब तुम जिम्मेदारी ले लोगे कि हाँ मैंने पकड़ रखी है और मैं जब चाहूं से छोड़ सकता हूं, तब इसका समाधान होगा। क्या समाधान होगा? जो वीडियो के एंड में बताया गया समाधान यह होगा कि किसी भी आदत को छोड़ा नहीं जा सकता, अब उसे बदला जाएगा। उदाहरण दे रहा हूं कि अगर सुबह लेट उठते हो तो लेट उठने को नहीं छोड़ सकते, बल्कि तुम्हें जल्दी उठने के बारे में सोचना होगा। इस बात को नहीं खत्म कर सकते कि तुम्हें फास्ट फूड खाना ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम्हें फास्ट फूड छोड़ना नहीं है, अच्छा खाना पकड़ना है। हो गई ना परिवर्तन? ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें छोटे मोटे सुख छोड़ने हैं तो कोई और बड़ा सुख पकड़ना होगा। तो इस वीडियो से आप दो चीजें सीखे हैं। पहला, किसी भी बुरी आदत को आपने पकड़ रखा है, ना कि आपकी आदत ने आपको। और कोई बुरी आदत आपको तभी पकड़ सकती है जब आपको उससे कुछ मिल रहा हो, कोई लालच हो। और दूसरी चीज आपने सीखी है कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ा नहीं जा सकता, एक सही और ऊंची आदत को पकड़ा जाता है, तो पुरानी और बुरी आदत स्वतः ही छूट जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको समाधान मिला है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट, आपके लाइक से वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है।
आप जितना इस पे रिस्पॉन्स दिखाओगे उतना वीडियो अपने आप आगे जाएगी। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो आप मेरी इस तरह से मदद कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाएगा कि इस वीडियो पर ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है। और अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।